नहीं, आस्था बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे भगवान का नाम लेंगे, पहले हमें रोजगार चाहिए जो हमारे बच्चे उनका भविष्य बने। 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के हम पे रोजगार कर दिए। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। कम से कम 20 साल हो गया है इन्हें अपनी मांगों को लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ है। तो सर, क्या कुछ समस्याएं हैं? आप 20 सालों से यहाँ लगातार जो है, आपके अभी मैंने पढ़ा, आपने दिया पर्चा, 20 सालों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आपकी मांगों को सुन नहीं पा रही है। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और ये होमगार्ड 1940 में बनाई गई थी, और इन्होंने 45 में बंद हो गई थी, फिर 46 में सरकार ने फिर बनाई है, और 47 में पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गई थी ये होमगार्ड। इन्होंने 1969 में दिल्ली में हुई थी, 1969 में दिल्ली में हुई थी, जिस टाइम पर दिल्ली में ये लागू हुई थी उसमें 4थी 5वीं 8वीं की भर्ती हो सके थी, लेकिन इनका कानून था निष्काम सेवा उस समय, और निष्काम सेवा होती है 2 घंटे की होती है, निष्काम सेवा 8 घंटे की नहीं होती है। नाम निष्काम सेवा, ड्यूटी 8 घंटे की, नाम निष्काम सेवा और घंटे ड्यूटी 8 घंटे की, ऐसे करते सरकार आ रही थी। और इनका दिल्ली सरकार का जो कानून था वो 3 साल का था, इनका दिल्ली सरकार का कानून 3 साल का, ड्यूटी इन्होंने 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के हम पे रोजगार कर दिए। हमने बार बार हम जंतर मंतर पे 20 सालों से यही मांग मांगते आ रहे हैं कि हमें बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किया जाए। हम कुछ नहीं मांगते ना, हम ये कहते हमने पक्का करो या हमें फलानी चीज दो, ढकड़ी चीज दो, डीए दो, कुछ भी दो, हम नहीं मांगते। हम यही मांग रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। हमें बार बार में हमने अनशन भी किया है, धरना भी किया है, लेकिन अभी तक तो 20 सालों में हमारी बहाली हो ही नहीं है, पूरे देश में बहाली होगी है। और जैसे ही चंडीगढ़ है वो केंद्रीय शासित प्रदेश है, और वहाँ होमगार्ड हमारे साथी है, वे चले हुए हैं, वहाँ 40,000 रुपये तनख्वाह है, और हमें आज तक रोजगार नहीं मिल लिया। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सारे ड्यूटी चले हुए हमारे साथ के, जो हमारे साथी भर्ती थे वे चले हुए, उनको DAPA और PF वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हमारे आज वापसी नहीं। सरकार से मांग है आपकी? हमारी मांग है दिल्ली सरकार भी इसमें कि केंद्रीय शासित प्रदेश है, इसमें दोनों आते हैं केंद्रीय शासित प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में क्योंकि नहीं ना मुख्यमंत्री जी हो गए, लेकिन महामहिम उपराज्यपाल जी हो गए, इनके खिंचाव में आज तक होमगार्ड का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 साल हो लिए हैं हम यहाँ जंतर मंतर पे, कभी जंतर मंतर पर आते हैं, कभी LG हाउस जाते हैं, कभी सचिवालय जाते हैं, कभी CM हाउस जाते हैं, हम चोलते के ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारे ज्ञापनों पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। बांट दिया गया है कभी दिल्ली सरकार में भी, कभी केंद्रीय सरकार में भी, क्योंकि हमने भारत सरकार, केंद्रीय सरकार तो बहुत अच्छे रोजगार ला रही है, 20 करोड़ रोजगार है, लोगों को राशन मिल रहा है, सब कुछ है, काम हमें कहाँ रोजगार मिला है आपके सामने है। और हम हर महीने आपने दिखलना है, हर महीने आ रहे हैं, राशन का मिला हुआ राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मिलता होगा है, लेकिन हमारा का मामला बेरोजगारी का है ना, जिस आदमी ने बेरोजगार रोजगार मिल जाएगा, किसने छीन लिया रोजगार? रोजगार दिल्ली सरकार ने छीना, सरकार ने छीन लिया, दिल्ली सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जो हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल है, LG साहब है, होम सेक्रेटरी है, होम डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली सरकार का है, उनकी जिम्मेदारी है हमें रोजगार देना, लेकिन हमने बार बार भी लेटर दिए। दिल्ली सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के हैं, LG साहब बोल रहे दिल्ली सरकार के हैं, नहीं केंद्र सरकार के हैं, LG साहब जो भी थे केंद्रीय शासित, LG साहब केंद्रीय सरकार के हैं, तो किसके आधार पे काम कर रहे हैं फिर? हम केंद्र के में कर रहे हैं, केंद्र सरकार के में, तो किससे मांगे हैं आप? केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार तो बढ़िया काम कर रही है भाजपा सरकार, मोदी जी को आप ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, जो कहाँ करे हुए हैं, मैंने 200 लेटर दिए, 40 पढ़िए मंदिर मस्जिद के, मैं डेली शिव चालीसा टाइट हो गया है, 40 शिव चालीसा पढ़ता हूँ, माँ मिल तू जा 40 पढ़ता हूँ, तो फिर क्या है, भगवान देगा 40 पढ़ता हूँ, क्यों यहाँ प्रोटेस्ट कर, क्या करे, भगवान देगा आपको? नहीं, भगवान तो उनको सद्बुद्धि दे, साल से तो जंतर मंत्र पे घुमा रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और मैं बालाजी मेहंदीपुर वाले का, सालासर वाले का प्योर भक्त हूँ, का महीना चालू हो गया, कावड़ लेके जाइए, हम भीड़ लगा, आज भी मैडम मेरा, आज भी मेरा मंगलवार का व्रत है, आज भी मैं इसको धरने को अटेंड करने के लिए आया हूँ, समझे,
अभी कोई सुनवाई नहीं है, अभी बच्चे भी जवान हो रही है, कोई रोजगार कोई कुछ भी नहीं है। और यहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, सब कुछ रोजगार मिलेगा। मेरे को पढ़ते पढ़ते आज 25 साल हो गए हनुमान चालीसा, और 25 साल मेरे केवल मेरे को सिर्फ बीड़ी का रोग है और भी और कोई रोग नहीं है। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बाबा जी भी साइड भी हो लिए, बाबा जी भी नहीं सुन रहे, बाबा जी भी नहीं सुन रहे, समझे? बताइए, और जो है मंदिर मस्जिद कॉरिडोर बन गया और आपको खुश हो जाना चाहिए। तो खुश तो जब हो, जब हमारे को दो रोटी का रोज चाइना टाइट हो गया है। अरे मैडम जी, चाइना टाइट होगा जब हमारे को लाल आंखें करके दिखा देते हैं। अगर पेट के अंदर रोटी नहीं जाएगी तो उसकी भूख कैसे मिटेगी? जब आदमी को बेरोजगारी नहीं है, उसको रोजगार मिल रहा है, सरकार पे इल्जाम लगा। अगर मिलेगा तो जभी तो हम खाना बच्चों के लिए मिलेगा, जभी तो संतुष्ट होंगे। रोजगार दे रहे हैं बीजेपी भाजपा, जो भी हम मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, उसे ही वोट देंगे जो हमें रोजगार देगा। मोदी जी रोजगार नहीं, अगर मोदी जी दे दे रोजगार तो जाकर ये सारे होमगार्ड जाना परेशान क्यों हो? परेशान देखिए आप अपनी, 22 साल हो गई, अब आपकी उम्र हो गई 20 साल 22 साल हो गई, अब आगे और युवाओं को आने जाना, 15-16 साल जो है ना होमगार्ड को दे दी जमानी में, आप ही लोग करते हैं में जाकर कहाँ जाए? 20 साल से आप लोग करके आ रहे थे, 20 साल से जाकर कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा। जंतर मंतर वाले 20 साल हो गए, अरे अब प्राइवेट नौकरी कौन दे रहा? 50 साल की उम्र में कौन लेगा? 50 साल की उम्र में आराम करिए, आपकी 50 साल उम्र होगी, आराम करिए। रोटी नहीं चाहिए पेट में, पेट का आराम नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे देश को थाम रहे हैं। 14-14 घंटे काम करते हैं, वो क्यों नहीं आराम कर रहे? काम चाहिए, हमें तो काम मिलना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो काम नहीं करेंगे देश चल जाएगा? नहीं तो जाएगा, एक बात हो, जब अगर इसको रोटी नहीं मिलेगी तो ये चल जाएगा। बच्चे रोटी का क्या करेंगे? हीरा सस्ता हो रहा है, 1.5% GST है, पैसे लाओ, हीरा खरीदिए, पैसा लाओ, पैसे कहाँ से लाए? अनाज पे GST लग गया, कोई बात नहीं, हीरा तो सस्ता है, पैसे कहाँ से लाए ये बताओ ना? मैं जब अगर पैसा पैसे के लिए हीरा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, और जब बिना पैसे के जो है ना कोई पूछेगा भी नहीं। पैसा बरस रहा है, रुपया पता है कहाँ बरस रहा? कहाँ बरस रहा? हमें बरसाओ, बरसात हो रही है, बरसाओ ना हमें, बरसाओ, कहाँ बरस रहा? कौन सा सबसे ज्यादा जो है भुखमरी हो रही है दिल्ली में, भुखमरी हो रही है सबसे ज्यादा, भुखमरी है। राशन मिल रहा है? अरे राशन में एक बात बताओ, राशन जो है ना, राशन से पेट वो नहीं होता, गेहूं जाएगा, गेहूं नहीं खाया जाएगा, चावल मिल रहा है, मसाला मिल रहा है, तेल मिल रहा है, क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिलता। राशन मत दो, राशन मत दो, रोजगार दो, रोजगार दे दो, रोजगार मांग रहे हैं। हाँ राशन सरकार को लाने वाले आप ही लोग, सरकार से लाने वाले हमने के मालूम था कि वो राशन मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। हम कहते हैं रोजगार दो, राशन मत दो। जो 17 जनवरी 1984 में नए युवकों को आने दीजिए, अब आपकी उम्र हो गई। नहीं नहीं नहीं, हमें पेंशन लागू करवा दो, पेंशन मिलती नहीं है, कहाँ की पेंशन मिलती है? पेंशन किसको मिल रही है? पेंशन 1053 का सिलेंडर हो चुका है, गैस सिलेंडर, महंगाई पता लगे, महंगाई क्या है? कुछ भी महंगाई नहीं है, आप ऐसी बदनाम कर रहे हैं सरकार को। क्या महंगाई है? आपने अगर आपके पास पैसा तो बांट दो गरीब आदमी, यहाँ पे जितने बैठे हमारे कर्मचारी। महंगाई है क्या? महंगाई क्यों नहीं है? मुद्दा है महंगाई, पहले सिलेंडर तो मुद्दा महंगाई है, पहले सिलेंडर 350 को मिलता था और सारी सब्सिडी मिलती थी, और आज 1053 का सिलेंडर हो गया। सिलेंडर वाला भी सिलेंडर जब देता है भाई 1053 रुपए दीजिए। मंदिर मस्जिद हनुमान चालीसा नमाज मुद्दा है, आप समझ रहे हैं? आप मैडम जी मेरी बात सुनिए, मेरे को यहाँ इसी जंतर मंत्र पे आज मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे रोज आते हुए। लखनऊ में लूलू मॉल खोला, आपको मालूम है यूसुफ जी ने खोला, मालिक उसके देखेंगे जब किराए को। योगी जी बैठे हुए थे साथ में, योगी जी बैठे हुए थे साथ में, कौन बैठे? बढ़िया काम करा वहाँ तो, हम गार्ड से ही काम कर रहे हैं वहाँ तो, बढ़िया काम करा है। क्यों सरकार को एक लाख आदमी को होम गार्ड के, 1 लाख होम गार्ड को दिल्ली सरकार, एलजी सरकार क्यों नहीं कर रही है काम? जब सब जगह जाएगा, सब जगह बहाली हो गई, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं ले रही भारी? भाई तो अब केंद्र सरकार के अंदर आते हैं एलजी, आप तो उधर गुहार लगाने गए। तो केंद्र सरकार जाएगा क्यों नहीं सुन रही? वो गुहार लगा रहे 20 साल, तो हमारा काम करे, हम तो सबका काम, हमको सबसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं कोई।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हनुमान चालीसा पढ़िए सब काम। मैम अब सीखना पड़ेगा, आपने बोला मतलब खाना खा लेंगे हनुमान चालीसा। मोदी जी बोल रहे हैं, देखिए हर हर मोदी बोलिए, हर हर गंगे। देखो ना पहले सावन, सावन का पवित्र महीना चालू हो गया, कावड़ उठाइए और जाइए आप लोग। आपने कावड़ सुनी ना, पहले भोजन, पहले भोजन फिर स्नान, पहले भोजन होना चाहिए उसके बाद जिसे नाम लिया जाएगा। पहले 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 जो 20 साल से हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको हमें दोबारा सब आस्था पहले है। आप कैसी बात नहीं, नहीं। आस्था बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे भगवान का नाम लेंगे, पहले हमें रोजगार चाहिए जो हमारे बच्चे उनका भविष्य बने। हद कर रहे हैं आप। नहीं नहीं ये नहीं, आस्था भी रखते हैं लेकिन रोजगार भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, आस्था भी रखते हैं। ये बात अभी देखा आपने किस तरीके से लोग जो है लगातार रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 20 साल हो गया है इन्हें प्रदर्शन करते हुए, जिस तरीके से इनको बहाली की जो छूट है ये मांग रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें योजनाओं के तहत लिया गया था उसके बाद जो है इनको नकार दिया गया। अब देखिए किस तरीके से ये लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार यहाँ पर सरकार से मांग करते हैं, कभी दिल्ली सरकार के पास जाते हैं तो कभी केंद्रीय सरकार के पास तो कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अभी जिस तरीके से ये लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं और आस्था बाद में है और रोजगार पहले है, तो आप समझिए कि शिक्षा और पढ़ाई और साथ में भोजन कितना जरूरी है। जिस तरीके से जीएसटी के दाम लगातार अनाज पर बढ़ चुका है और हीरे के दाम घटा दिए गए हैं, तो सोचने वाली बात है कि इंसान खाना खाएगा या हीरा खरीदेगा। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।